एंड 300 मिली एम्पियर है, तो मिली एम्पियर जो है वो ऐसा यूनिट नहीं है, ऐसा यूनिट एम्पियर है, मिली को हम एम्पियर में चेंज करेंगे। एंड 1 मिली इक्वल्स टू 10 रेज टू पावर -3, तो इसलिए हम मिली की बजाय उसकी वैल्यू 10 की पावर -3 एम्पियर लिखेंगे। फिर टाइम भी आपको मिनट्स में गिनवाना है, ऐसा यूनिट इज सेकेंड, 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड। इसलिए पहले हमारे पास जो डाटा में गिवन चीजें हैं उनको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, स्टैंडर्ड यूनिट्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे। देन व्हाट वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर पासिंग थ्रू इट। फार्मूला जो हम यूज करेंगे वो हमारे पास क्या है, क्यू इक्वल्स टू एन ई, इट मीन्स के एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें चाहिए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए हम क्यू डिवाइडेड बाय ई कर लेंगे। ई जो है वो राइट साइड पे जब हम शिफ्ट करेंगे देन इट गेट डिवाइडेड विद द चार्ज क्यू। अब वैल्यूज देख लें, वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इज 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। ये हमारे पास वैल्यू ऑफ द चार्ज होती है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, और Q आपके पास, Q की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्योंकि फार्मूला क्या Q डिवाइडेड बाई ई है, तो हमें Q की वैल्यू पहले फाइंड आउट करनी है। तो Q आपके पास किसके इक्विवेलेंट है, I मल्टीप्लाई बाई टी के, जो चार्ज है वो हमारे पास करंट का जो फार्मूला आता है चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम होता है, तो वहां से हमारे पास Q का जो फार्मूला है वो क्या हो गया, I मल्टीप्लाई बाई टी। I की वैल्यू को T से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई जो है वो आपके पास किसके इक्विवेलेंट है, क्यू की वैल्यू जो होगी वो आ जाएगी 18,000 × -3 जो है वो कूलम आ जाएगी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास 18 कूलम हो जाएगा। ये वाला जो 3 है 18,000 के साथ 3 0 10⁻³ होती है और -3, तो वो दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो गए, सिर्फ 18 कूलम है। अब ये हम वैल्यूज पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे 1.125 × 10⁻²⁰ इलेक्ट्रॉन। तो एज अ रिजल्ट हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो n इक्वल्स टू 1.125 × 10⁻²⁰ आ जाएंगे। इसकी यूनिट नंबर है ना, नंबर की कोई यूनिट नहीं है, तो इसलिए इसके साथ कोई यूनिट नहीं आएगी। क्लियर है सबको ये फर्स्ट न्यूमेरिकल? Now second numerical is जी सेकंड क्वेश्चन 13.2 स्टेटमेंट इज चार्ज ऑफ 90 कूलम पासेस थ्रू अ वायर इन 1 आवर एंड 15 मिनट्स, व्हाट इज द करंट इन द वायर। गिवन डाटा इज चार्ज वैल्यू ऑफ चार्ज इज 19 कूलम। नाउ टाइम इज गिवन इन आवर्स एंड मिनट्स, वी हैव टू चेंज इन अ सेकंड। First of all, it will equals to, we convert all the time in minutes. 1 hour equals to 60 minutes. ये आपके पास सारा टाइम जो है इसमें कन्वर्ट हुआ है।
1 आवर जो होता है वो आपके पास किसके इक्विवेलेंट होता है? 60 मिनट्स के इक्वल होता है। तो 60 मिनट्स के साथ फिर एडिशन में क्या थे? और 15 मिनट्स थे। तो इन सबको पहले मिनट में चेंज कर लिया, तो टोटल 75, 60 प्लस आपके पास 15 क्या हो गए? 75 मिनट्स हो गए। तो 75 मिनट्स आपके पास जो है टोटल हो गए। देन वी मल्टीप्लाई 75 विद 60 एंड वी गेट द 4500 सेकेंड्स। तो टाइम को सबसे पहले हमने किस में कन्वर्ट कर लिया है? सेकेंड्स के अंदर कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद हमारे पास जो है, अब हमने फाइंड क्या करना है? करंट फाइंड आउट करना है। वैल्यू ऑफ द फॉर्मूला फॉर द करंट इज आई इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाई टी, देन आई इक्वल्स टू 90/4500। एज अ रिजल्ट द वैल्यू ऑफ करंट इक्वल्स टू 0.02 एम्पियर। अब 0.02 एम्पियर को अगर हमने कन्वर्ट करना हो मिली एम्पियर में, तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास क्यों हमारे पास जो है वो उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट हमारे पास ये वैल्यू ऑफ करंट किस में चेंज हो जाएगी? मिली एम्पियर में चेंज हो जाएगी। तो वैल्यू ऑफ करंट इन अ वायर इक्वल्स टू 20 मिली एम्पियर। क्लियर है ये क्वेश्चन सेकेंड सब बच्चों को? थर्टीन पॉइंट न्यूमेरिकल टू सब बच्चों को क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, प्रॉब्लम 13.3। ये हमारे पास सर्किट डायग्राम्स आपको गिवन होती हैं और इस डायग्राम से आपने जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। मोस्टली ये इतने एग्जाम में कभी क्वेश्चंस आए नहीं है, लेकिन आपने इनको, ये सिंपल है, इतने डिफिकल्ट नहीं है, ये क्वेश्चन जो है वो आपने करने हैं सॉल्व। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स एंड द करंट थ्रू ईच रेजिस्टर। अब आपने क्या करना है, 3 रेजिस्टर्स लगे हुए हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब है इन तीनों की रेजिस्टेंस को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या रेजिस्टेंस आएगी, वो एक हमने फाइंड आउट करनी है। और दूसरा हमारे पास क्या है, टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स। टोटल करंट इसमें से कितना, इस सर्किट का टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है, एंड द करंट थ्रू ईच रेजिस्टर, और हर रेजिस्टर में से करंट की वैल्यू, R1 में से कितना गुजर रहा है, R2 में से कितना गुजर रहा है और R3 में से कितना करंट जो है वो गुजर रहा है। आपने हर रेजिस्टर में से करंट फाइंड आउट करना है, टोटल करंट फाइंड आउट करना है, और इन सब की रेजिस्टेंस को जब हम एड अप करेंगे, टोटल इक्विवेलेंट इन तीनों को हम मिला के जो रेजिस्टेंस बनती है वो हम फाइंड आउट करेंगे। R1 की वैल्यू 6 ओम है, R2 की वैल्यू 6 ओम है, R3 इक्वल्स टू 3 ओम। ये ओमेगा का साइन है, ये इसको ओम हम पढ़ते हैं, ओमेगा। वोल्टेज ऑफ द बैटरी फिगर में आपको गिवन है, वो आपके पास क्या है, 6 वोल्ट गिवन है। अब हमने इसमें से फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं RE से, E फॉर द इक्वल, यानी इन सबको प्लस करके। टोटल करंट थ्रू इट्स सर्किट I हमने फाइंड आउट करना है, करंट थ्रू रेजिस्टेंस R1 I1 हम कह देंगे, करंट थ्रू रेजिस्टेंस R2 I2 एंड करंट थ्रू रेजिस्टेंस R3 इक्वल्स टू I3। ये हमारे पास जो होगा इसके I3 के इक्विवेलेंट आ जाएगा। फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अब हम कह लें, सिंस R1 एंड R2 आर पैरेलल, ठीक है, ये जो R1 और R2 रेजिस्टेंस आपको गिवन है, ये हमारे पास जो है वो पैरल, ये वाला रेजिस्टर और ये वाला रेजिस्टर, इनके ये दोनों पॉइंट ये वाले यहाँ पे और यहाँ पे क्या थे, ये कॉमन थे, इसलिए R1 और R2 एक दूसरे के साथ क्या है, पैरल है। तो पैरल कॉम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं, तो इसलिए आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आ जाएगा 1/R1 + 1/R2 की फॉर्म में हमारे पास आएगा। फिर हमारे पास 1/6 इनका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम क्या आएगा, 6 आएगा, 6 × 1 = 6, 1 + 1 = 2/6 आ जाएगा। ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा और 2 से, ये 2 × 1 = 2 हो जाएगा और 2 × 3 = 6 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/R = 1/3।
उसके बाद हमने तो क्या फाइंड आउट करना है, आर फाइंड आउट करना है। तो हम आर फाइंड आउट कैसे करेंगे, हम दोनों साइडों को रेसिप्रोकल ले लेंगे, ठीक है। तो आर की वैल्यू या आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ये इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें और इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें, तो आर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 3 ओम। तो आर वन और आर टू को जब हमने आपस में प्लस किया तो वो हमारे पास क्या बन जाएगी, 3 ओम बन जाएगी, ठीक है। अब हमने इसके साथ तीसरी रेजिस्टेंस आर थ्री भी करनी थी। अब दोनों रेजिस्टेंस ये डायग्राम में भी देख लें कि दोनों रेजिस्टेंस आर वन और आर टू को हमने जब प्लस किया तो हमारे पास क्या रेजिस्टेंस आ गई, 3 ओम। और ये जो आर वन और आर टू है ये दोनों आर थ्री के साथ किसमें, सीरीज में है, तो इन दोनों को प्लस करके 3 ओम आ गया। ये 3 ओम फिर आर थ्री के साथ क्या है, सीरीज में है। तो सीरीज की रेजिस्टेंस को हम क्या करते होते हैं, सिंपल प्लस कर देते होते हैं। तो इसलिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास क्या आ जाएगा, आर प्लस आर थ्री, 3 + 3 हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 ओम आ जाएगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास किसके इक्विवेलेंट आ जाएगी, 6 ओम के रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट हो जाएगी। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, अब तीनों रेजिस्टेंस को प्लस करके हमारे पास टोटल सर्किट की रेजिस्टेंस कितनी आई है, 6 ओम है। यानी आर वन आर टू आर थ्री की तीनों रेजिस्टेंस को जब हमने प्लस किया तो हमारे पास टोटल सर्किट की रेजिस्टेंस क्या आ गई, 6 ओम। अब हमने टोटल करंट फाइंड आउट करना है, तो बाय ओम लॉ वी नो दैट वी इक्वल्स टू आई आर। अब हमने कोई एक रेजिस्टेंस टोटल सर्किट के फाइंड आउट करनी है, तो इसलिए जो रेजिस्टेंस है वो भी पूरे सर्किट की जितनी रेजिस्टेंस है उस सबको हमने यूज करना है। तो I equals to V divided by RE, तो करंट क्या आ जाएगा, 6/6 1 एम्पियर। जो टोटल सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना कर रहा है, 1 एम्पियर का करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। अच्छा जी, अब हमने हर रेजिस्टेंस में से करंट फाइंड आउट करना था, तो उसके लिए हमारे पास फिर क्या होगा, नाउ फ्रॉम द सर्किट वन द पोटेंशियल बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, ए और बी पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारे पास कितना है, वो हमने फाइंड आउट करना है। वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 × करंट हमारे पास 1 है और रेजिस्टेंस हमारे पास क्या है, R3 है। ये जो ये वाला होगा इसमें, ये देखिए ये वाला पोर्शन, ये दोनों क्योंकि R1 और R2 क्या है, पैरल है, तो पैरल में आपके पास एक ये वाला करंट इसमें से फ्लो करेगा और ये इन दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस A और B पॉइंट के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। A और B जो पॉइंट्स हैं, यानी R1 के अक्रॉस और R2 के पैरल में पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है, एक जैसा रहता है। तो ये जो ए और बी पॉइंट्स हैं इनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। लेकिन आगे जो R3 लगा हुआ है क्योंकि ये सीरीज में है उनके साथ, तो वहां पे वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो इसलिए सबसे पहले हम इधर से फाइंड आउट कर लेंगे कि वैल्यू ऑफ द आपके पास क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो करंट उनमें कितना फ्लो कर रहा था, टोटल सर्किट का करंट क्या है आपके पास, 1 एम्पियर है, ठीक है, 1 एम्पियर। उसी में से दोनों में से जो करंट जा रहा है वो दोनों आगे R3 के साथ जो है वो सीरीज में है, तो करंट उसमें सेम होगा। रेजिस्टेंस की वैल्यू उन दोनों की मिला के जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 और R2 की, इसकी वैल्यू क्या होगी, 3। तो ए बी यानी कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस R1 है और रेजिस्टेंस R2 है उन दोनों के अक्रॉस वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है, 3 वोल्ट है। करंट फ्रॉम द R1, लेकिन दोनों क्योंकि पैरेलल हैं तो दोनों में वैल्यू ऑफ द करंट क्या होगी, डिफरेंट होगी आपके पास, लेकिन हम दोनों की रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है तो इसलिए आपके पास वो सेम रिजल्ट है। I1 में करंट क्या होगा, V/R1, यही फार्मूला V=IR वाला, यहाँ से हमने I फाइंड आउट करना है, देयरफॉर V/R1। वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज 3 एंड द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस इज 6 एंड वी गेट द आंसर 0.5 एम्पियर। सिमिलरली द करंट फ्रॉम द R2, सेम फार्मूला, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय R, तो आपके पास जो होगा 3/6 0.5 एम्पियर। नाउ द करंट फ्रॉम द रेजिस्टेंस R3 V/RE, वी आपके पास जो होगा यहाँ पे, अब आपने वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस 3 नहीं लेनी, हमारे पास जो R3 रेजिस्टेंस है वो किसके साथ कनेक्टेड है, उसका एक टर्मिनल बैटरी के साथ कनेक्टेड है,
दूसरा हमारे पास ऐसा, इसलिए यहाँ पे जो टोटल सर्किट की पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही आपके पास आर थ्री के अक्रॉस अप्लाई होगा। तो आर थ्री जो है वहां पे पोटेंशियल की वैल्यू आपने कितनी लेनी है, वहां पे वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास क्या आएगी, 6 आएगी। तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास भी किसके इक्विवेलेंट है, 6 के इक्विवेलेंट है। तो इसलिए वैल्यू ऑफ हमारे पास जो होगा करंट की जो आपके पास वैल्यू होगी वो हमारे पास 6/6, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 एम्पियर आ जाएगी। करंट हमारे पास आई थ्री जो होगा 1 एम्पियर। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास 6 ओम है, टोटल करंट हमारे पास 1 एम्पियर है, R1 में से 0.5 पास हो रहा है, R2 में से 0.5 और R3 में से 1 एम्पियर जो है वो करंट पास हो रहा है। क्लियर है सारे बच्चों को?